दोस्तों, फाहियान का नाम हमने बचपन में सुना होगा। वो एक चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। इस वीडियो में उनकी जीवनी का, उनके लिखे किताब का विश्लेषण नहीं किया गया है। कोशिश की गई है कि किताब को हूबहू आपके सामने रख दूं और आप खुद ही सोचे कि उन्होंने क्या और क्यों लिखा अपनी यात्रा वृतांत में। ये वीडियो सिर्फ उनकी पाटलिपुत्र यानी आज के पटना के बारे में लिखी बातों के बारे में है, जो कि उनकी किताब फोग्यूजी के चैप्टर 27 में लिखा है। हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने ये सारी बातें बिना किसी बायसनेस के लिखी होंगी और चाइनीज भाषा में लिखे उनकी किताब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन एग्जैक्टली किया गया होगा बिना किसी सब्ट्रैक्शन या एडिशन के। किताब देखने से पहले एकदम थोड़े में जान लेते हैं फाहियान और उनकी लिखी किताब के बारे में, फिर सीधा जंप करेंगे चैप्टर 27 पर। 337 ईस्वी में जन्मे फाहियान 399 ईस्वी में 60 साल की उम्र में अपने चार साथियों यू किंग, ताओ चिंग, यू यिंग और यू वे के साथ चीन से भारत की ओर चल दिए। उनका भारत आने का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ त्रिपिटक में से एक ग्रंथ विनय पिटक यानी अनुशासन की टोकरी को ढूंढना था, जिसमें मंक्स को कैसे रहना चाहिए ये लिखा था। दूसरे दो ग्रंथों के नाम है सूत पीटिका और अभिधम पीटिका। फाहियान पहले चीनी यात्री थे जिन्होंने अपने यात्रा वृतांत को लिपिबद्ध किया। उनकी किताब फोग्यूजी, जिसे अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, उनके रोचक संस्मरणों के माध्यम से तत्कालीन भारतीय परिवेश को जानने का अवसर प्रदान करती है। फाहियान की यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था और चीन में जिन राजवंश का शासन था। बचपन में फाहियान का नाम से ही था, पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उनका नाम फाहियान यानी स्प्लेंडर ऑफ धर्म यानी धर्म की महानता हो गया। फाहियान चीन से रेशम मार्ग होते हुए पैदल भारत आए और उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में रास्ते के मध्य एशियाई देशों के बारे में लिखा है। 6 साल चलने के बाद पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तान को पार करने के बाद 66 साल की उम्र में वे भारत पहुंचे। वे पैदल ही मध्य एशिया होते हुए शेनशेन, दुनहुआंग, खोटान और पेशावर के रास्ते 402 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। अगले 6 साल यानी 72 ईयर्स के होने तक भारत में रहे, जिसमें से 3 साल पाटलिपुत्र में यानी आज के पटना में रुककर संस्कृत भाषा सीखी। अपने भारत यात्रा के दौरान वो तक्षशिला, गांधार, पेशावर, कपिलवस्तु जो नेपाल में है, मथुरा, कन्नौज, वाराणसी, श्रावस्ती, कुशीनगर, पटना, राजगीर, बोधगया, उड्डियान, ताम्रलिप्ति और श्रीलंका गए थे। अपनी यात्रा के अंतिम 2 साल श्रीलंका में रहे। 412 ईस्वी में 72 ईयर्स की उम्र में ढेर सारी संस्कृत में लिखी किताबें लेकर वापस चीन लौटकर आ गए। अन्य विद्वानों के साथ मिलकर उन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया, जिनमें से मुख्य हैं परिनिर्वाण सूत्र और महासंगिका विनय के चीनी अनुवाद। 414 ईस्वी में उन्होंने यह फोग्यूजी नामक किताब चीनी भाषा में लिखी, जिसका अर्थ है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। 422 में 85 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। तो ये थी थोड़ी बातें फाहियान के बारे में संक्षिप्त में। दोस्तों, मेरा नाम संजय शरत है और आप देख रहे हैं कुछ भी। आइए अब सीधे चलते हैं उनकी लिखी किताब रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के चैप्टर 27 की ओर और देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने आज से लगभग 1800 साल पहले पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में। नदी पार करने और दक्षिण में एक योएन यानी एक योजन जो कि लगभग 5 से 9 इंग्लिश माइल्स के बराबर होता है की यात्रा करने के बाद तीर्थयात्री मोचेहटी मध्य देश यानी मगध और पालियनफो यानी पाटलिपुत्र शहर पहुँचे, जो कि पहले राजा एयु यानी अशोक द्वारा शासित था। राजा के महल और दरबारों का निर्माण उन देवताओं द्वारा किया गया था जिन्हें अशोक ने पत्थरों को खड़ा करने, दीवारों और द्वारों का निर्माण करने, सजावटी डिजाइनों को तराशने के लिए नियोजित किया था, जो वास्तव में किसी मनुष्य का काम नहीं था। ये अभी भी मौजूद हैं। राजा एयु यानी राजा अशोक के छोटे भाई ने लोहान यानी एक अरहान या संत की स्थिति प्राप्त कर ली थी और वे चीशेचुह पहाड़ी यानी गृद्धकूट पहाड़ी में रहते थे। आनंद से उनका मतलब है अनडिस्टर्ब्ड मेडिटेशन। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत आदरपूर्वक अशोक के भाई को घर पर आकर अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अभ्यास करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने यानी अशोक के भाई ने पहाड़ी की शांति को पसंद करते हुए
निमंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब राजा ने उससे कहा, यदि तुम आने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हारे लिए शहर के बीच में एक पहाड़ी बनवा दूंगा। फिर राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने खाने पीने की व्यवस्था की और सभी देवताओं को एक साथ बुलाकर उनसे कहा, कल जब आप सभी मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें तो कोई आसन न होने के कारण अपना अपना आसन लेते आइएगा। अगले दिन वे देवता पत्थर के एक विशाल घन को लेकर, जिनका आकार लगभग 4 या 5 कदम था, सभी तरफ से पहुँचे। जब देवताओं ने उनके साथ आसन ग्रहण कर लिया तो राजा ने उनके लिए, यानी अशोक के भाई के लिए, एक बड़ी पहाड़ी बना दी और इसके आगे क्यूब के आकार वाले 5 पत्थरों के साथ एक पत्थर का कमरा बनाया, जिसकी लंबाई 30 फीट, चौड़ाई 20 फीट और ऊंचाई 10 फीट से अधिक की थी। वहां एक ब्राह्मण थे जिनका नाम लोताई सुपोमी था, जो इस शहर में रहते थे और वो महायान पंथ से संबंधित थे। उनकी बुद्धि प्रखर थी और उनका ज्ञान व्यापक था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें समझ में न आता हो। वो शुद्ध और एकांत जीवन व्यतीत करते थे। देश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें अपने धार्मिक श्रेष्ठ गुरु के रूप में सम्मानित किया और जब वे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्मान देने गए तो उन्होंने, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उस ब्राह्मण के सामने बैठने का साहस नहीं किया। जब राजा ने स्नेह और श्रद्धा की भावना से उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया तो जब राजा चले गए तो ब्राह्मण अपने हाथ धोने के लिए जल्दबाजी करने लगा। वह शायद 50 वर्ष से अधिक का था। पूरा देश इस एक व्यक्ति की ओर देखता था और उस पर भरोसा करता था। उन्होंने बुद्ध के कानून को व्यापक रूप से फैलाया था ताकि अधर्मी इसे बदनाम न कर सकें। राजा एई, यानी अशोक के पैगोडा के किनारे पुजारियों ने एक महायान मठ का निर्माण किया है जो दिखने में बहुत ही भव्य है। हीनयान का भी एक मंदिर है। दोनों को मिलाकर पुजारियों की संख्या 600 या 700 है, जिनमें से प्रत्येक का उचित स्थान है। इस मंदिर में सभी वर्गों के गुणी शमन और नैतिकता में आगे बढ़ने के इच्छुक विद्वान भी एक साथ आते हैं। ब्राह्मण शिक्षक को वेनशुशेहली कहा जाता है और शामंस और महायान भिक्षुओं को बहुत सम्मान से देखा जाता है। वह भी इसी मठ में रहते हैं। मध्य भारत के सभी देशों में से यह पाटलिपुत्र सबसे बड़ा शहर है। लोग समृद्ध हैं और सद्गुण के प्रैक्टिस में एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। हर साल नियमित रूप से वे हर दूसरे महीने की 8 तारीख को छवियों का जुलूस निकालते हैं। वे बांस को आपस में बांधकर 4 पहियों वाली 5 मंजिला कार बनाते हैं, जिसमें अर्धचंद्राकार आकार में तिरछे डंडे और भाले लगे हुए हैं। यह 20 फीट से अधिक ऊंचा है। यह देखने में पैगोडा के आकार का है। इसके चारों ओर सफेद और रेशम जैसे बालों का कपड़ा लपेटा गया है, जिसे बाद में विभिन्न रंगों में रंगा गया है। वे सभी देवताओं की इमेज बनाते हैं और उन्हें सोने चांदी और कांच के आभूषणों से सजाते हैं और उनके ऊपर रेशमी कपड़े और छतरियां लटकी होती हैं। चारों तरफ वे निच बनाते हैं। प्रत्येक में एक बुद्ध बैठे हैं और एक बोधिसत्व उनकी उपस्थिति में खड़ा है। ऐसी 5 मंजिला 4 पहियों वाली कारें लगभग 20 की संख्या में हैं और सभी एक दूसरों से अलग तरीके से सजाई गई हैं। इस दिन, यानी दूसरे महीने की 8 तारीख को जिले के सभी धर्मगुरु और आम लोग इकट्ठे होते हैं और गायन और दुर्लभ संगीत के साथ खुद को व्यस्त रखते हैं। जिस दिन कहा जाता है, उस दिन सीमा के भीतर साधु संत सब इकट्ठे हो जाते हैं। उनके पास गायक और कुशल संगीतकार हैं। वे धूप जलाते हैं और फूल आदि चढ़ाते हैं। ब्राह्मण बुद्धों को आमंत्रित करने के लिए शहर से बाहर जाते हैं। बौद्ध संत नियमित रूप से शहर में प्रवेश करते हैं और इस शहर, यानी पाटलिपुत्र में 2 रातें गुजारते हैं। रात भर दिए जलते हैं, संगीत बजता है और प्रसाद बनाया जाता है। सभी राष्ट्र समान रूप से यही कार्य करते हैं। इस देश के परोपकारी और शिक्षित व्यक्तियों ने शहर के भीतर एक मुफ्त अस्पताल की स्थापना की है
और सभी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित सभी गरीब या असहाय रोगी आते हैं। उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और एक चिकित्सक उनकी देखभाल करता है। उनकी इच्छा के अनुसार भोजन और दवा की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार उन्हें काफी कंफर्टेबल बनाया जाता है और जब वे ठीक हो जाते हैं तो वे चले जा सकते हैं। जब बेयु यानी अशोक ने अन्य 84,000 पगोडास बनाने के लिए 7 पगोडा को नष्ट कर दिया तो पहला बनाया गया महान पगोडा इस शहर के दक्षिण में 3 ली यानी 3 योजन दूर था। इस पगोडा के सामने बुद्ध के पैर की छाप है जिसके ऊपर एक मंदिर बनाया गया है जिसका प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है और पगोडा के सामने है। पगोडा के दक्षिण में एक पत्थर का पिलर है जिसकी परिधि 14 या 15 फीट और ऊंचाई 30 फीट है। पर एक शिलालेख इस प्रकार है, राजा एई ने येनफुतेई को पुजारी को दिया और इसे फिर पैसे देकर छुड़ाया। उन्होंने ऐसा 3 बार किया। पगोडा के उत्तर में 300 या 400 कदम पर राजा अशोक ने नीली शहर का निर्माण किया। इस शहर में एक पत्थर का पिलर भी है जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है। इस पिलर के शीर्ष पर एक शेर की मूर्ति है और पिलर पर नीली शहर की उत्पत्ति और वर्ष महीना और दिन जिस दिन यह शिलालेख लिखा गया था लिखा हुआ है। आगे अपनी किताब में वो राजगीर, नालंदा और बोधगया की यात्रा के बारे में लिखते हैं जिसे मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पूरी किताब में फाहियान ने अपने समकालीन राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम की चर्चा नहीं की है, पर उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति एवं कुशल प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उनके अनुसार इस समय जनता सुखी थी, कर का भार अल्प था, शारीरिक दंड एवं मृत्यु दंड का प्रचलन नहीं था, अर्थ दंड ही पर्याप्त होता था। तत्कालीन समाज पर प्रकाश डालते हुए फाहियान ने कहा है कि लोग अतिथि परायण होते थे, भोजन में लहसुन प्याज मदिरा मांस मछली का प्रयोग नहीं करते थे। दोस्तों, हो सकता है ये देवताओं और स्पिरिट वाली बातें आपको अजीब लगी होंगी। यह भी अजीब लगा होगा कि रेशम मार्ग से वो पैदल 6 वर्षों तक चलकर हिमालय की बर्फीली वादियों, नदियों और रेगिस्तान को क्रॉस कर भारत तक पहुंचने में, वो लिखते हैं कि रेगिस्तान में विषैले ड्रैगन भी हैं जो उकसाए जाने पर जहरीली हवाएं, बारिश, बर्फ, रेत तूफान और पत्थरों को थूकते हैं। इन खतरों का सामना करने वालों में से 10,000 में से एक भी नहीं बच पाता है। अब उन्होंने ये सब बातें अपनी किताब में लिखी हैं। मैंने कोशिश की है कि बिना किसी एडिटिंग के सेम टू सेम टेक्स्ट आपके सामने रख दूं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा।